अरुण जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ संजय जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे जितने दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, क्या कुछ चल रहा है जरा बताएं, बहुत क्राउड लगा हुआ स्कूल में। अभी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जी, फिल्म का नाम है चुहिया, उस फिल्म की शूटिंग हो रही है और काफ़ी अच्छे ढंग से आज की पहली शुरुआत है, शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, काफ़ी अच्छा शूट भी हुआ है और बड़ी अच्छी फिल्म है, कहानी बड़ी प्यारी है। हैदर का आदमी जी की फिल्म है, उनके गांव में फिल्म की शूटिंग चल रही है, काफ़ी चर्चा का है पूरे बिहार में। हाँ, चुहिया का। यस, कैसा लग रहा है आपको, आप भी बिहार के रहने वाले हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिहार की धरती में जब भी आता हूँ तो बहुत ही खुशी होती है, आत्मीयता दिखती है, प्यार और प्रेम दिखता है इस धरती में। कुछ कहना चाहेंगे गाँववासियों को? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि ये फिल्म यहाँ पे इसलिए शूट किया गया है ताकि इस मिट्टी की जो खुशबू है, इस मिट्टी की जो खुशबू में प्यार है, वो प्यार हमारे बिहार वासियों को मिले और हमारे बिहार वासी जिस फिल्म पे या जिस कलाकार के ऊपर हाथ रख देते हैं वो कलाकार या फिल्म चमक जाता है। तो मैं तो चाहूँगा बिहार के जितने भी वासी हैं चुहिया फिल्म ज़रूर देखें, उनकी अपनी फिल्म है, उनकी अपनी कहानी है, उनसे मिलती जुलती कहानी है, हर घर से मिलती जुलती कहानी है, हर घर को कोने कोने को छूती हुई निकलती हुई कहानी है और इस फिल्म को ज़रूर देखें। आपके साथ और कौन कौन से कलाकार इस फिल्म में नज़र आएंगे? इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं। सबसे पहले तो हैदर साहब खुद भी बहुत बहुत अच्छे कलाकार हैं और उसके बाद हमारे बीच हमारे साथ अक्षय वर्मा जी हैं, अनिल यादव जी हैं, शर्मिला डे हैं, अनुपमा जी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं इस फिल्म में। जहानाबाद के पाली गांव में शूटिंग चल रही है, पटना से कुछ ही 50 किलोमीटर की दूरी पे है। कैसा यहां आकर के लगा लोगों से मिल के, लोगों के बारे में जरा बताएं कुछ? संजय जी, बड़ा अच्छा लगा। एक तो यहाँ के लोगों में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है और कलाकारों के प्रति एक चाहत है। जब हम अपने बीच में कलाकारों की पब्लिक के बीच में जब आते हैं और पब्लिक का जब प्यार अपने साथ जुड़ता है तो बहुत खुशी होती है, फिर काम करने में मज़ा भी कुछ और आता है, तो ये बिहार की खासियत है। चुहिया का डायरेक्शन भी हैदर कादमी जी ही कर रहे हैं और इसमें मेन रोल में भी वही हैं जी। कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको? बहुत ही अच्छा लगा। एक तो बहुत सुलझे हुए थे, किसी भी आर्टिस्ट को बहुत फ्रीडम देते हैं काम करने का और ऐसे में आर्टिस्ट अपना 100% दे पाता है, मोर देन 100% दे पाता है, ये हैदर साहब की खासियत है। तो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करने में। एक तो उनके पैतृक गांव है तो यहाँ उनके पैतृक गांव होने की वजह कर लोगों की मोहब्बत उनके साथ जुड़ी हुई है और जो उनके साथ मोहब्बत जुड़ी हुई है तो संभवतः सच में हम लोगों के साथ भी मोहब्बत जुड़ी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ। अरुण जी, आपका नेटिव प्लेस कहाँ है और अभी तक कितने फिल्में कर चुके हैं? संजय जी, मेरा नेटिव प्लेस यही बिहार है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पड़ता है सासाराम के बगल में, विक्रमगंज एक जगह है, विक्रमगंज के बगल में गांव है छोटा सा, मतुली गांव का नाम है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और फिल्मों से, नाटक से, ड्रामा से, थिएटर से हमेशा जुड़ा रहा है। मैं बचपन से कलाकार रहा, बचपन से मैं सिंगर और एक्टर रहा। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त भी मुझे बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला बेंगलोर इंस्टीट्यूट का, तो हमेशा मैं कला से जुड़ा रहा। अभी तक कितनी फिल्में आप कर चुके हैं? बहुत सारी भोजपुरी फिल्में मैंने की, भोजपुरी फिल्में भी करीब करीब मैं समझता हूँ कि 25-30 फिल्में मैंने की हैं भोजपुरी की। हिंदी भी काफ़ी फिल्में की हैं। हिंदी में टॉप में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी थी आपकी? अगर मैं सबसे अच्छी फिल्म कहूँ तो बड़ी प्यारी फिल्म अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुई है, टोनी, करीब करीब मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले रिलीज हुई थी और उसमें मैं और अक्षय वर्मा दोनों थे, उसमें अच्छे रोल में थे हम लोग, मैं एडवोकेट था और पुलिस ऑफिसर। बड़ी अच्छी फिल्म है, अभी यूट्यूब पे काफ़ी चर्चित फिल्म है, वो आर्टिस्टिक टाइप की फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है। मैं तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए यूट्यूब पे, टोनी।